रास्ते में जाओ के ऊपर से जाओ फोन लेके चले गए। फोन ही लेके चले जाइए, ऐसे क्या बंदर है। मेरे को तो वही लग रहा है जो वो उधर बैठा हुआ था, देखा ना उस पे, देखा अगर वो दिख रहा था ना होगा यार मोबाइल अभी क्या खराब होना होगा, पीछे का कवर खराब हुआ। ऐसे कैसे हाथी लेके चला गया, हाथी ने भाई टोपी ले ली है, ये वापस नहीं आ रहा। अंकल आपकी है क्या? हाँ। कहाँ से लेके गया था? अच्छा ऐसे देख रहे थे ना वो लेके भाग गया। अब ये वापस तो देगा नहीं वो भाई, टोपी लेके भाग गया बंदर। बेटे हरे रामा हरे रामा 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 हरे रामा। छुपने की कहीं पे भी जगह नहीं मिल रही है भाई साहब। और इधर देखिए फाउंटेन फाउंटेन चल रहे हैं, इधर ये प्रेम मंदिर है। दर्शन तो बाद की बात है लेकिन पहले मेरे तो जूते चलो वाटरप्रूफ है। दोस्तों नमस्कार, मैं बीएल बिश्नोई आप सभी का यात्रा गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और वृंदावन की धरती से एक बार फिर से अपने चैनल पर अभी जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब का हार्दिक स्वागत। राधे राधे जय श्री कृष्णा। और अपने मुस्कंडे भाइयों के साथ मैं आ चुका हूं मैं वृंदावन की धरती पे। और शाम के 4 बजने लग रहे हैं, 12 से 4 सारे मंदिर बंद होते हैं। और अभी अपने होटल से निकल कर हम तैयार होके निकल रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने, उसके बाद इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर। जितनी भी लोकेशन है सारी इस ब्लॉग के अंदर मैं दिखाऊंगा, एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा और इस ब्लॉग को एकदम शानदार एंजॉय कीजिए। घर बैठे मैं आपको वृंदावन के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों कल रात से खूब सारी बारिश हो रही है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया। और ये वृंदावन की आप गलियाँ देखिए, इस प्रकार से काफ़ी सारी भीड़ देखने लग रहे हैं क्योंकि 4 बजे मंदिर खुलेंगे तब सभी जो श्रद्धालुगण हैं जो अपनी अपनी धर्मशालाएं या फिर होटल्स वगैरह से निकल के अब सारे दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब देखते हैं मंदिर के अंदर जाएंगे और फिर वहां पे पता चलेगा कि हमें कितनी सारी भीड़ देखने को मिलती है। भाई आ चुके हैं भाई एंट्री गेट पर, इस प्रकार से 2-4 गेट लगे हुए हैं, एक आगे है एक इससे है, तो इस गली से हम प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर। गली के अंदर बहुत सारी भीड़ है और मंदिर खुलने में अभी आधे घंटे का टाइम है। 4-5 गलियां और चारों पांचों के पांचों फुल लग रही है और अभी मंदिर जो है वो खुलने में आधे घंटे का समय है। लेकिन देखिए श्रद्धालु वगैरह सारे बहुत सारे आने लग रहे हैं और पीछे तो भाई साहब हालत ही खराब है श्रद्धालुओं की, देखते हैं अब कब दर्शन होते हैं। छोटी गुड़िया जो है भाई तिलक लगा रही है यहाँ पर, राधे 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 राधे। 3 बजे कोचिंग, तो फिर अब आज अच्छा संडे रहा आज है। स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो बेटा? कौन सी क्लास में? फर्स्ट में। आप गुड़िया? फोर्थ में। छोटी एक तो टीके लगवा ले। लगो राधे राधे। ऐसे ही भाई देखने में भीड़ ज्यादा लगती है लेकिन दर्शन मंदिर खुलने के बाद बड़े आसानी से हो जाते हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। देखने में ज्यादा भीड़ लगेगी लेकिन फटाफट निकल जाते हैं आगे से आगे, है ना, तो भीड़ देख के डरना नहीं, दर्शन करके निकलना। रास्ते में एक पड़ा है यमुना जी का घाट, तो यहाँ पर देख लेते हैं यमुना जी का घाट और नौका विहार के यहाँ पर देख लेते हैं क्या संसाधन है। और काफी सारे देखिए इस प्रकार से भंगवे रंग के अंदर बजरंग बली की जो है झंडियाँ लगे हुए हैं, ध्वज लगे हुए हैं और यमुना जी के दर्शन कर लेते हैं। चलिए भाई बहुत ही खूबसूरत घाट है भाई यहाँ पर। और ये देखिए यमुना जी यहाँ पर बहती हुई इस प्रकार से। और चार्ज वगैरह क्या है थोड़ा पूछ के बताऊं मैं आपको। इधर घाट के किनारे पर चल रही है भाई क्रिकेट प्रतियोगिता, इधर यमुना जी का तो कितना खूबसूरत नजारा। और ये है नौका विहार, पूछते हैं क्या चार्ज है सर? जैसा घूमोगे छोटे वाले में 80 रुपए सवारी करके ली। अच्छा जैसे कितना घुमाओगे आप, मतलब कितने में? क्या वो नीली वाली बोट लग रही है ना उधर, वो सामने? हाँ दूसरे नंबर की मोटर बोट। अच्छा ऐसे घुमा के लेके आने का 80 रुपए सवारी। 80 रुपए सवारी और फिर लंबा करें तो उससे लंबा जाओगे 140 रुपए। 140 रुपए पूछता हूँ उसमें साथ। चलो भाई बैठते हैं नाव के अंदर, वृंदावन आए और नौका विहार नहीं करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राधे 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 राधे। तो भाई यमुना जी के अंदर नौका विहार करते हैं और दिखाते हैं आपके नजारे और नौका से ही आगे चलेंगे निधिवन के लिए, क्यों इनको वन ने बोल दिया भाई निधिवन छोड़ दो हमें,
चलते आगे। ओके अंदर ही बांके बिहारी जी की प्रसन्न का प्रसाद का जो है वो भोग लगा रहे हैं भाई हम। बांके बिहारी जी को लगा दिया, अब हम खुद लगा रहे हैं। काफी स्वादिष्ट पेड़े हैं शुद्ध देसी घी के। और चलते हैं भाई निधिवन की ओर, दिखाते हैं आपको नौका विहार। चल चुकी है हमारी नौका, इधर भी देखिए बहुत सारी नाव चलने लग रही है। और यमुना जी के अंदर अब हम आगे बढ़ने लग रहे हैं निधिवन के साइड। और बहुत सारे लोग ये सब मजे कर रहे हैं देखिए। और ये है हमारे भाई पायलट। अभी हमने प्रवेश किया है भाई निधिवन के अंदर। और ये इस प्रकार से पहले खुला हुआ करता था, फिर लोगों ने यहाँ पर क्या पत्तियां ये तुलसी वगैरह तोड़ने लग गए, तो इसीलिए यहाँ पर ये थोड़ा प्रोटेक्शन किया गया है। और ये देखिए इस प्रकार से कहा जाता है कि रात के समय में ये युगल जोड़े ये जो है वो खेला करते हैं, यहाँ पर रास लीलाएं करते हैं। ये सब गोपियों के स्वरूप है। और अब पहले ये खुला हुआ करता था, घूम सकते थे, लेकिन अब ये इस प्रकार से जाली लगाकर प्रोटेक्शन किया गया है, क्योंकि लोग यहाँ पर ये तुलसी के पत्ते वगैरह सब तोड़ने लग रहे हैं, अपने साथ में ले जाने लग रहे हैं। ये देखिए कितने सारे यहाँ से देखिए ये तोड़ लिया है, तो इस प्रकार से फिर ये प्रोटेक्शन किया है। क्यों लोगों के यहाँ पर कुछ लक्षण सही नहीं लग रहे हैं, श्रद्धालु लोग जो आते हैं वो अपनी यहाँ पर हरकतें दिखाने लग रहे हैं, तो इनका स्वरूप ओरिजिनल बनाए रखने के लिए देखिए इस प्रकार से। और फिर मैं आपको थोड़ा सा ये नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पूरी ये गोपियों के स्वरूप है भाई। तो से बिल्कुल सावधान रहें भाई, चश्मा मोबाइल वगैरह पर्स ये वो कुछ भी छीन के लेके भाग जाते हैं। तो बहुत सारा इनका बंदरों का यहाँ पर आतंक है। ये देखिए बहुत सारे जगह जगह है ये आपके ऊपर यहाँ पर अटैक मैंने अभी करते हुए भी बहुत सारे देखे हैं, आपके ऊपर भी कर लेंगे। निधिवन में बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए हैं और अभी आगे गोपियों और यहाँ पर इन प्रकार से दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा इस प्रकार से बना दिया तो थोड़ा यूँ खुला खुला नहीं लग रहा है, तो ठीक है, फिर भी बरसाना है तो काफ़ी शांति पीसफुल और यहाँ पर एक अलग ही वाइब आती है भाई साहब। फिर ने भाई टोपी ले ली है, ये वापस नहीं आ रहा। अंकल आपकी है क्या? हाँ। कहाँ से लेके गया था? अच्छा ऐसे देख रहे थे ना? वो लेके भाग गया। अब ये वापस तो देगा नहीं वो भाई, टोपी लेके भाग गया बंदर। बेटे अब अंकल जी वापस नहीं आएगी ये टोपी। ये देखिए सब युगल जोड़े के अंदर आप जितने भी देखेंगे सब एक स्वरूप राधा जी का है, एक स्वरूप कान्हा जी का है। इस प्रकार से देखिए ये दो दो युगल जोड़े के रूप में। और कहा जाता है कि भाई रात के समय में रास लीलाएं करते हैं, और कुछ लोगों ने यहाँ पर छुप के इनकी रास लीलाएं देखने की कोशिश की, तो काफी उनके साथ अच्छी घटनाएं नहीं घटित हुई ऐसा सोशल मीडिया पे सुनने को मिला है मेरे को। ये देखिए जितने भी यहाँ पर है सब युगल जोड़े के अंदर है, थोड़ा कैमरा जूम नहीं कर पा रहा है। पर आपको दर्शन होंगे बंसी चोरी राधा रानी के दर्शन यहाँ पर। फोन लेके चले गए यार, फोन ही लेके चले जाइए, ऐसे क्या बंदर है, इधर देख के आए क्या? देखिए यार फोन लेके चले गए बंदर, जरा सा निकालते ही। मेरे को तो वही लग रहा है जो वो उधर बैठा हुआ था, देखा उसमें, देखा अगर वो दिख रहा था ना, मिल जाएगा ना यार मोबाइल, अभी क्या खराब होना होगा, पीछे का कवर खराब हुआ। ऐसे कैसे हाथ से ही लेके चला गया, हाथ से ही? अरे यार दिख रहा है किसी के हाथ में, बंदर के, बंदर के हाथ में कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर कोई नहीं, ऊपर कहीं रख दिया होगा उन्होंने मोबाइल, ले को बंदर। फोन वाला बंदर अब ढूंढा जा रहा है कि भाई कहाँ है क्या है, लेकिन अब वो मिल नहीं रहा है।
मैडम जी बोल रहे हैं कि मेरा तो कांड हो गया भाई, अब उनका शायद आईफोन था गायब हो गया, मैं तो मेरा आईफोन संभाल के रखता हूँ भाई। वृंदावन की पानीपुरी ट्राई कर रहे हैं और देखते हैं यमुना जी का जो पानी है उसी की पानीपुरी बनी हुई है, स्वाद आएगा भाई। वीडियो में कहता ओ सो यम्मी सही है। अल्टीमेट को बंदर उल्टे लटक लटक के चल रहे हैं और माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता ये हमें सिखा रहे हैं। निधिवन से वापस बाहर आए हैं, बांके बिहारी जी के अंदर प्रवेश द्वार से ये बाहर वाली जो गेट है यहाँ पे आते ही ये इस प्रकार से अपने को गाड़ियाँ मिलेगी, गवर्नमेंट की है शायद, यहाँ पे पता नहीं 30 रुपये किराया फिक्स है। इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर की तरफ कुछ ये इस प्रकार की गाड़ियाँ हैं, ये देखिए इतनी गाड़ी है भाई, तो अब आनंद लेते हैं, यहाँ से काफ़ी सारी भीड़ है। गाड़ी के पीछे बैठे हैं भाई, तांगे वाली फीलिंग आ रही है इस प्रकार से और काफी तेज भाग रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मजा आ गया, पहली बार बैठा हूं इस प्रकार की गाड़ी में। अभी चलते हैं इस्कॉन टेंपल के अंदर और देखते हैं भाई इस्कॉन टेंपल किस प्रकार से है। चलिए यह है इस्कॉन टेंपल का मंदिर, अंदर चलते हैं भाई दर्शन के लिए, है थोड़ी सी भीड़ है लेकिन शायद 5 मिनट लगेंगे दर्शन करने के लिए। फाइनली प्रेम मंदिर पहुंच गए हैं लेकिन बहुत ही तेज बारिश जो है वो स्टार्ट होने लग रही है और अंदर चल रहे थे फटाफटी और बहुत तेज बारिश है। अपने जूते और तेज बारिश स्टार्ट हो गई है और ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से प्रेम मंदिर के अंदर का नजारा और ऊपर से होते हुए बारिश, इंद्र भगवान काफी खुश है, काफी तेज बारिश हो गई भाई और ये है प्रेम मंदिर के नजारे और भागते हुए चलते हैं भाई, लगभग गीला हो गए हैं। छुपने की कहीं पे भी जगह नहीं मिल रही है भाई साहब और इधर देखिए फाउंटेन फाउंटेन चल रहे हैं, इधर ये प्रेम मंदिर है, दर्शन तो बाद की बात है लेकिन पहले मेरे तो जूते चलो वाटरप्रूफ है लेकिन जल्दी दौड़ो गीला हो गया भाई पूरा। बारिश के अंदर आ गए हैं कैंटीन के अंदर आसरा लेने के लिए और इस कैंटीन वाले के मजे आ गए भाई, बार हो रही है तगड़ी वाली बारिश और सारे के सारे श्रद्धालु कैंटीन के अंदर आ गए हैं, तो इस हिसाब से आज तो इसकी बिक्री जो है वो 10 गुना तेज हो गई, आप देखिए पीछे कितनी भीड़ सारी है, तो चाय कॉफी पार्टी कर रहे हैं और उसके बाद आगे चल रहे हैं भाई। गए हैं भाई गोवर्धन जी के पास में, यहाँ पर आप देखिए श्री कृष्ण जी जो है वो अपनी अंगुली के ऊपर पर्वत को उठा रखे हैं और पूरे गांव वाले इसके नीचे शरण ली थी जब इंद्र भगवान जब नाराज हुए थे और पूरे गांव वालों के ऊपर 7 दिन बारिश की थी, तो 7 दिन 7 रातों के लिए ये गोवर्धन पर्वत एक अंगुली पर उन्होंने उठा के रखा था, तो उसका कुछ ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिया गया है प्रेम मंदिर के अंदर ही। और सामने ही देखिए इस प्रकार से ये नज़ारा और यह है सामने प्रेम मंदिर, ये देखिए भाई बहुत ही सुंदर लाइटिंग के साथ में अलग अलग। राधे 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 जय श्री राम, राधे 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 राधे
अम्बेश्वर भगवान की जय हो। राधे राधे जय हो। बोलो गोगा जी महाराज की जय हो। राधे 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 राधे। बोलो विष्णु जी महाराज की जय हो। राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राधे राधे हरे राधे 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय राधे 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 हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम रामा राधे राधे